आज यहाँ पे थर्ड डे है हमारे ट्रिप का। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन जा रहे हैं। जाने का तो मन नहीं है बट जाना तो पड़ेगा। बहुत ही ब्यूटीफुल है। देखो अभी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो यहाँ से 3 आवर्स लगेगा। आई थिंक 84 किलोमीटर्स है बट डेस्टिनेशन मैं बताऊँगा नहीं। थैंक यू फॉर होल्डिंग माई कैमरा। सो एनी गेस कहाँ जा रहे हैं? नो आइडिया, कुछ बताते ही नहीं हो आप तो कैसे गेस करूँ? कुछ हिंट भी नहीं है और कुछ क्लू भी नहीं है तो मैं कैसे गेस करूँ? नो वरीज, 3 घंटे बाद पता चलेगा। सो स्टे ट्यून्ड, वेट फॉर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। हाँ, वेट फॉर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। अभी हम लोग नदी के ऑपोजिट साइड में आ गए और फिर भी 1 घंटा बता रहा है यहाँ से। बाइक के साथ हम लोग का 76 रुपीज़ हुआ, बाइक और 2 एडल्ट्स। और 10 मिनट के अंदर हम दूसरे साइड पहुँच जाते हैं बट वेटिंग पीरियड थोड़ा ज़्यादा था। हाफ एन आवर हम लोग को वेट करना पड़ा बिकॉज हम लोग थोड़ा जल्दी आए थे। मंडनगढ़ला जायचंय। ये व्यू देखने के लिए हम लोग रुके थे। सुपर व्यू है। सुपर, क्या रोड्स है। बंद करो ना, चला ना बंद।
जो सामने नदी है ना उसमें मगरमच्छ है। अभी अगर आगे मिली नदी तो देखते हैं, इसमें तो दिख रही है, साइड से ही जा रही है, अगर थोड़ा नज़दीक आएंगे तो दिखेगी, देखते हैं मगरमच्छ देखने मिलते हैं या नहीं। अरे इधर इतने देते लामजा लामजा कंस्ट्रक्शन चालू है रोड का। बैठ, लुक एट द व्यू। तो गाइस हम लोग पहुंच गए घुमक्कड़ कैंप साइट। सो आज सिर्फ हम लोग ही है, हम दोनों, और हम दोनों ही कैंपिंग करने वाले। लुक एट द व्यू। कैसा लगा सरप्राइज? बहुत ही अच्छा। एक्सपेक्ट किया था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एकदम प्राइवेट कैंपिंग है ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि हम लोग का सिर्फ एक ही टेंट है यहाँ पे और सामने बीच है। अभी हम लोग थोड़ा बीच पे घूमने के लिए जा रहे हैं, घूमने के बाद फिर वापस आएंगे, स्नैक्स होगा, फिर उसके बाद डिनर। नहीं, डिनर के पहले और कुछ होगा। ओह माय गॉड, और एक सरप्राइज है। Thank you.
बीते हुए कल के छोटे छोटे टुकड़े हमारी यादों में हमेशा महफूज रहते हैं। It's really an awesome experience watching a movie in open sky. और वो भी अपने पार्टनर के साथ। कैसा था एक्सपीरियंस फर्स्ट कैंपिंग का? बहुत ही अच्छा और एक तरह की सुकून शांति मिल गई मुझे। मतलब मैंने ऐसे मतलब इमेजिन नहीं किया था कि ऐसे होगा करके और ऐसे सरप्राइज रहेगा अलग अलग, और ये मेरा फर्स्ट था टेंट का स्टे, तो अच्छा था एक्सपीरियंस। सो गाइस, ये अभी फोर्थ डे है हम लोग के ट्रिप का और ये वाला भी स्टे बहुत ही औसम था। मतलब क्या ही कहे, कैंपिंग वो भी बीच के साइड पे टेंट का पर्दा खोला नहीं कि सामने बीच, मतलब ऐसा व्यू मिलना बहुत ही रेयरली मिलता है। एक्चुअली ऐसा स्टे बहुत दिन से मैं ढूंढ रहा था और ये परफेक्ट अभी मुझे टाइम मिला। 1.5-2 साल पहले मैंने इंक्वायरी किया था यहाँ पे पर मुझे आने नहीं मिला, और अभी परफेक्ट एकदम टाइम मौका मिला मुझे यहाँ पर आने का, और यही रूट से मैं आगे जाने वाला हूँ अभी। नेक्स्ट डेस्टिनेशन मेरा आरेवारे है। ये वाला डेस्टिनेशन भी मैंने मेरी वाइफ को नहीं बताया है, मैंने कोई भी डेस्टिनेशन नहीं बताया है। तो अभी यहाँ से हम लोग को 4 से 5 घंटे लगेंगे क्योंकि उसमें लंच ब्रेक भी होगा इसके लिए, और इसमें भी फेरी रूट है, एक या दो शायद से एक ही है, अगर क्योंकि दूसरा रास्ता भी एक था वो दिखा रहा नहीं है अभी मैप में, शायद से मे बी ट्रैफिक कंजेशन होगा। बट ये वाला व्यू भी बहुत अच्छा होगा क्योंकि ये पूरा जो ट्रिप है मेरा कोस्टल रोड ट्रिप है, बाइक पूरा अंदर जाता है बट उसके पहले आने का रोड बहुत ही छोटा रोड है। ये अभी जो था वो डाबोल जेट्टी, परफेक्ट बीच।